हुजूर में कोई शक नहीं। एक दिन आके कहने लगा कि बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैंने बता दिया, कहने लगा अगर आपने बता दिया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया मैंने बता देना है पर तूने कोई नहीं पढ़ना, मैं बता देना है। क्या बताइए? तो हुजूर ने फरमाया चल सौदा कर लेते हैं, अगर जो तेरी मुट्ठी में है वही बता दे फिर तेरा क्या ख्याल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा क्या भाई अबू जहल की मुट्ठी में? तो उसकी मुट्ठी में कंकर थे, कंकरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब कंकरों ने कलमा पढ़ा, पत्थर थे वो, उन्होंने कलमा पढ़ा, अबू जहल ने वो कंकर जमीन पे फेंके, कहने लगा ओहो तेरा जादू तो पत्थरों पहाड़ों पे भी चलता है। अब जुमला कहने लगा हूं समझ लेना, अबू जहल गोश्त का आदमी था, कंकर पत्थर थे, पत्थर कलमा पढ़ गए, गोश्त पोश्त का आदमी था पर कलमा, क्योंकि यहां क्या था शक, उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। गोश्त पोश्त का शख्स होके पत्थरों से आगे निकल गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। बल्कि वो जो यहूदी वाली रवायत है उसके पस मंजर में भी बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है, उसको भी इसी ने भेजा, कहने लगा जाओ नबी पाक से जाके कहो अगर वो दरख्त आपका कलमा पढ़े तो मैं भी पढ़ लूंगा। दरख्त, अब दरख्त होते तो जानदार हैं पर कलमे तो कोई नहीं ना पढ़ते। दरख्त से भी तो इंसानों से कलमा पढ़ने की बात, अगर दरख्त पढ़े तो मैं पढ़ लूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठे थे, दरख्त दूर था, और इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा ने लिखा है दरख्त भी कीकर का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस यहूदी से कि तू जाके दरख्त को कह के तुझे नबी पाक बुलाते हैं। फरमाया मैं गया तो फिर तुमने कहना जादू करके बुलाया है। एहतियात भी की, हर चीज आंखों के सामने रखी, तू जाके कह के तुझे बुलाते हैं। वो बंदा गया जाके कहने लगा, और इमाम सुयूती ने इसको लिखा है, कहने लगे उसने नबी पाक का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि अबू जहल एंड कंपनी को पता था कि मुस्तफा के नाम में भी बड़ी बरकत, खाली नाम भी नहीं लिया। कहने लगा दरख्त वो जो सामने बैठे हैं ना वो तुझे बुला रहे, नाम नहीं लिया हुजूर का, वो जो सामने बैठे हैं ना जात ले दावत हिल अशजारु साजिदतन। इमाम बोसीरी कहते हैं दरख्त आया और सजदा करता हुआ जमीन चीरता हुआ आया। किस तरह आया? पहले आगे झुका, फिर पीछे झुका, दाएं झुका, बाएं झुका। यहां भी लिखने वालों ने लिखा है कि वो ना दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ रहा था, जब चलना था ना उसने हुजूर की तरफ आना था तो आगे दाएं बाएं हुआ, जड़ें उखेड़ रहा था। लेकिन हमारे उस्ताद जब हमें यह रवायत पढ़ाया करते थे तो कहते थे जड़े नहीं उखेड़ रहा था, जब उसने सुना मुझे नबी पाक ने बुलाया तो उसे वजद हो गया था, वो झूमने लग गया था, झूम रहा था, हुजूर ने मुझे बुला लिया, जात ने दावत इल अशजारु साजिदा। तो दरख्त आया, उसने आके नबी पाक को सजदा किया, लकड़ी का बना हुआ दरख्त है, सजदा किया, सजदा करने के बाद दरख्त उठा और उठ के उसने नबी पाक का कलमा पढ़ा। वो जिसको अबू जहल ने भेजा था ना यहूदी, वो दरख्त की हालत देख के कलमा पढ़ गया, वो कलमा पढ़ गया। लेकिन यही बेईमान कहने लगा ओए होए इनका तो दरख्तों पे भी जादू चलता है। ला रही बफी शक कुरान पाक में, लेकिन अगर बंदे के दिमाग में हो उसका इलाज है कोई, इधर ही शक बैठ जाए। मैं सादी मिसाल देता हूं कि सामने दीवार साफ हो लेकिन गर्द अगर आईने पे पड़ी हो, दीवार साफ करनी चाहिए कि ऐनक का शीशा साफ करना चाहिए? सारी जिंदगी लोग दीवार साफ करते गुजार देते, सारी जिंदगी तराश खराश करते गुजार, अपनी मर्जी की पेंटिंग करते गुजार देते हैं पर अपनी आंख की पुतली साफ नहीं करते, आंख की पुतली साफ नहीं करते। किसी ने हजरत रूमी से कहा था हुजूर दुनिया में कोई अच्छा मिलता नहीं, फरमाने लगे थोड़ा रोना शुरू कर ताकि तेरी पुतलियां वुजू कर लें, वुजू कर लें वो, उन्हें पता चल जाए कि कितने साफ सुथरे लोग दुनिया में पाए जाते। तो भाई शक, अबू जहल फिर आ गया, कहने लगा अगर आप चांद के दो टुकड़े कर दें तो मैं कलमा पढ़ने को तैयार। अच्छा यहां भी बड़ी मजे की बात है, अल्लाह ने पहले कह दिया नबी पाक को कि इन्नल्लज़ीन कफरू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। महबूब ये जिनकी किस्मत में कुफर है ना आप इन्हें डराएं चाहे ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। कंकरों ने भी कलमा पढ़ लिया, दरख्तों ने भी पढ़ लिया, सारा कुछ हो गया, और अल्लाह ने भी कह दिया कि महबूब इस बेईमान ने कलमा नहीं पढ़ना, पर हुजूर ने फरमाया ये पढ़े ना पढ़े हमने मैदान नहीं छोड़ना, जितनी दफा आएगा ना
हम इसे जरूर मौजजा दिखाएं। जितनी दफा आए हम क्यों मैदान छोड़। आगे कहने लगा जी अगर चांद के दो टुकड़े कर दे तो एक तरबत सात वन शक्ल कमर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद दो हिस्सों में बटा, कोहे सफा एक पहाड़ी थी मक्के में, आधा टुकड़ा पहाड़ी की इस जानिब हुआ आधा इस जानिब, यानी वजाहत की अल्लाह करीम ने कि ऐसे ना हो कि ये कह दी वो तो ऐसे बिल्कुल शक हुआ तो मिल गया, पता नहीं मेरी आंखों पे जादू हो गया मिला है कि नहीं मिला। जब टूटा तो हदीस पाक में आता है कि आधा चांद कोहे सफा के इधर गया और आधा तो पहाड़ी थी, चांद नीचे आया पहाड़ी के गिर्द घूमा आगे जाके मिला, यानी वक्फा दिया गया बकायदा देखने का समझने। पूरी दुनिया में जितने लोग उस वक्त चांद रेख देख रहे थे, हिंदुस्तान तक रवायतों में मिलता है कि लोगों ने गवाही दी कि हमने चांद टूटते देखा है। जमाना मान गया, लोगों की चीखें निकल गई, लोग कदमों में गिर गए, पर वो जिसके दिमाग में शक था ना वो नहीं माना। शजर हजर पहचान गए पर इंसान की नजरों में शक ही रहा। दुनिया में सबसे मजबूर कमजोर बुजदिल कम फहम बंदा वो है जिसके दिमाग में शक है।